बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज 72वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है और अभी हम पटना में मौजूद है। पटना में जेडीयू कार्यालय के पास मौजूद है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने झंडोत्तोलन किया है, फ्लैग होस्टिंग की है और इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत भी की है। लेकिन एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हैं, दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है, उनकी रिहाई के लिए तमाम लोग अब राष्ट्रपति को खत लिख रहे हैं, इन मुद्दों पर आखिर जेडीयू क्या कुछ कहती है। पहले आप सुनिए उमेश कुशवाहा लालू प्रसाद यादव की रिहाई को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। हटा दिया जाएगा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, सही मायने में उनका उत्तराधिकारी हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने उनके विचारों को, उनके जो उनके आदर्शों को समाज में लेकर चलने का काम किया है और उनके आदर्श को आगे बढ़ाने का, उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा भी आप देख रहे हैं कि जो हम लोग का एजेंडा है, जदयू का एजेंडा है, वो हम लोग का जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ही आदर्श पर हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राम मनोहर लोहिया जी के आदर्श पर हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समाज के सब तबके को, लोगों को लेकर चल रहे हैं और विकास कर रहे हैं, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। किसान को लेकर जो है फिर से आज यहाँ पर भी कटमास किया जाएगा, कई सारे जो विपक्षी पार्टी। किसान पर हम लोग तो हमेशा हम लोग आवाज उठाते ही रहते हैं और उस पर जो है हमारे प्रवक्ता देंगे उस पर अलग से। अभी तो ढेर सारी शुभकामना है, आज के दिन जो स्वतंत्रता जो हम लोग का गणतंत्र दिवस है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार वासियों को। लालू प्रसाद यादव जो बीमार हैं तो उनके लिए खत, उनकी रिहाई के लिए खत जो भेजा जा रहा है, तो इस पर जेडीयू क्या अपना स्टैंड कहेगी, क्या लगता है जेडीयू चाहती है? तो न्यायालय की मामला है और न्यायालय की मामला है, उसमें हम लोग क्या विशेष कहेंगे। न्यायालय की मामला, हम लोग बीमार है तो उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो जो न्यायालय के जल्द स्वस्थ हों, वो मामला न्यायालय का है। तो आपने सुना, उमेश कुशवाहा हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि न्यायालय का मामला है। आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ऐसे में उन्हें 2 दिन पहले दिल्ली एम्स रेफर किया गया है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन वहीं अब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उनकी रिहाई की मांग चल रही है, लगातार लोग उनको जल्द से जल्द जमानत देने की बात कह रहे हैं। ऐसे में कल उनके परिवार के लोग और पूरी पार्टी के लोगों ने खत लिखना शुरू किया है, राष्ट्रपति के नाम खत लिख रहे हैं। ऐसे में जब 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने भी कहा था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, तो एक तरफ नीतीश कुमार ने भी उनके स्वास्थ्य की चिंता की थी और अब जेडीयू ने इस मुद्दे पर खुलकर बताया है कि ये जो मामला है, रिहाई का जो मामला है, ये कोर्ट का मामला है, इस पर वो कुछ फिलहाल नहीं बोलेंगे, कोर्ट में क्या कुछ होता है। तो तमाम लोग जो है वो रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम लोग मौजूद हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर।